5% से ज्यादा की ब्लॉक डील होती हुई दिखी है, आपने नोट किया होगा। तो इंडस टावर ये है स्टॉक 217-218 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और क्यों खरीदना है, क्योंकि दीप यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से जो बिकवाली होनी थी वो बिकवाली हो चुकी, वो बिकवाली हो चुकी। और ये आखिरी लौट रहा है। इंडस टावर की डील की डिटेल्स जल्दी से हम आपके सामने रखते हैं। आज हेडलाइन में आपने देखा भी होगा, तो ये डील के लिए ही स्टॉक आप देखे नीचे। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लग रहा था शायद 205-210 उसके बहुत नीचे ये डील होगी, लेकिन डील ज्यादा डिस्काउंट पर नहीं हुई। और ये गोल्डन चांस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को खरीदने की। और अभी इमीडिएटली दीप 250 का टारगेट रखना चाहिए। और आपको याद होगा हमने अभी अभी इस स्टॉक को आपके बजट में सस्ते दिया था, हमारा 300-330 का जो टारगेट है वो इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है इस 7% की, और शायद ये आखिरी बड़ा ब्लॉक था जो बिकना था वो बिक चुका, तो सेलिंग प्रेशर खत्म हो चुका है। और ये स्टॉक आप पोजिशनली इन्वेस्टमेंट के तौर पर बजट पे लेके रखिए। बिल्कुल, 24 तारीख को आपने दिया था बजट सस्ता शेयर, उन्हीं लेवल्स के आसपास है। आज ब्लॉक डील का प्रेशर भी निकल गया, मेरी नजर थी आज आपने हेडलाइन में पढ़ा भी था कि ब्लॉक डील हो रही है, तो ये ब्लॉक डील हो चुकी है। और इस ब्लॉक डील के होने के बाद यहाँ पर खरीदारी करने की राय, एक बार जरा इस पर राय सीरीज साहब से भी ली जाए। सीरीज साहब, इंडस टावर ने बिल्कुल अनिल जी बुलिश हुए इस स्टॉक पे, जिस तरह का इसमें मूव आया, ये जो ब्लॉक डील के कारण ये जो मौका मिल रहा है डेफिनेटली कैपिटलाइज करना चाहिए। इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह। और मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में आज जब ये ब्लॉक डील हो जाएगी उसके बाद शाम को जो नए निवेशकों के नाम आएंगे, मुझे लगता है कल ये स्टॉक में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक और खरीदारी करने का एक बहुत अच्छा अवसर है आज। खरीदारी करने का बढ़िया अवसर है, और इस पर रखिए नजर। जो ब्लॉक डील होनी थी हो गई, सेलिंग प्रेशर जो आना था आ गया, अब यहां से अपसाइड ही अपसाइड है। बाय द वे अनिल जी, अपसाइड ही अपसाइड आ रही है आपके लिए भी। सर मैंने बोला था पोडियम की तरफ आप